बड़ी खबर आई दिल्ली में पानी के संकट से जुड़ी। दिल्ली में पानी की किल्लत के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान और तेज हो गई। दिल्ली सरकार ने इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यह जानकारी दी और बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो दिल्ली वालों के लिए किसी भी तरह पानी का इंतजाम करवाएं और अगर 21 जून तक ऐसा नहीं हुआ तो वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। जबकि बीजेपी ने इसी मामले में विरोध जताने के लिए दिल्ली के 256 इलाकों में पदयात्रा निकाली और दिल्ली सरकार पर पानी के खराब प्रबंधन का आरोप लगाया। दिल्ली के अलग अलग 256 इलाकों में निकाली गई इस पदयात्रा में पार्टी के सांसद भी शामिल हुए। इनमें एक पदयात्रा तो दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पहुंची और प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचते ही पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी की इस पदयात्रा में शामिल कई महिलाएं मटके लेकर पहुंची और उन्होंने ये मटके दिल्ली जल बोर्ड के गेट के सामने फोड़ने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन महिलाओं को रोक दिया और फिर धक्का मुक्की और नारेबाजी शुरू हो गई। बीजेपी ने दिल्ली में पानी के लिए मची मारामारी के मुद्दे पर 256 जगहों पर पदयात्रा निकाली, नारे लगाए और केजरीवाल सरकार के इंतजामों पर उंगली उठाई। बीजेपी ने दिल्ली में पानी के लिए चल रहे ब्लेम गेम पर भी सवाल खड़े किए। आज वो पंजाब सरकार का नाम क्यों नहीं लेते? पिछले साल तक तो पंजाब सरकार का नाम भी ले रहे थे। पानी की लड़ाई और बीजेपी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली को पानी दिलाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो वो अनशन पर बैठ जाएंगी। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। जून का महीना आधे से ज्यादा बीत चुका है और इस दौरान कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब दिल्ली वाले पानी के लिए जूझते ना दिखे हों। और दिल्ली सरकार के मुताबिक ये हालात इसलिए बने क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया और यमुना नदी का जलस्तर नीचे चला गया, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में पानी के प्रबंधन पर उंगली उठाई और पानी की कालाबाजारी और पाइपलाइन टूटने का मुद्दा उठाया। कई इलाकों से तो पानी की टूटी पाइपलाइन की तस्वीरें भी आईं। निजामुद्दीन इलाके में भी पानी की पाइपलाइन कई दिनों से टूटी हुई है और इससे पानी बर्बाद हो रहा है। न्यूज 18 की टीम 13 जून को वहां गई थी और टूटी हुई पाइपलाइन की तस्वीरें दिखाई थी और 5 दिन बाद न्यूज 18 एक बार फिर वहां पहुंचा और पाइपलाइन से उसी तरह पानी बर्बाद होता नजर आया। निजामुद्दीन की ये लोकेशन जहां 5 दिन पहले की और आज की दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन के अलावा दिल्ली के कुछ और इलाकों से भी पानी की पाइपलाइन टूटने और पानी की बर्बादी की शिकायत आई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस मैदान में उतरी थी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पाइपलाइनों की निगरानी शुरू कर दी थी, क्योंकि दिल्ली में जो हालत है उस हालत में पानी की बर्बादी किसी गुनाह जैसा है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मुनक नहर समेत अलग अलग इलाकों की पाइपलाइनों की निगरानी की और जैसे ही कहीं पानी की कोई पाइपलाइन फूटी हुई नजर आई दिल्ली जल बोर्ड को इसकी सूचना दी, क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से दिल्ली में हाहाकार मच गया और लोगों के लिए टैंकर का पानी ही आखिरी उम्मीद बचा। कई इलाकों में तो टैंकर पहुंचते ही भगदड़ मच गई। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में जैसे ही टैंकर पहुंचा लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, पानी भरने की होड़ मच गई। लाइन लगी होने के बावजूद खींचतान हुई। जो लोग लाइन में नहीं लग पाए उनके लिए तो पानी भरना ही मुश्किल हो गया। पानी मिल पाया? पानी पर मची मारामारी के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में तो टैंकर भी रोज नहीं पहुंचता। दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में भी लोगों की यही शिकायत दिखी। हफ्ते में एक बार आता है, हफ्ते में एक बार एक टैंकर आता है। हाँ, एक टैंकर मिलता है हमको हफ्ते में। दिल्ली की गीता कॉलोनी और चाणक्यपुरी जैसे इलाकों में भी पानी के लिए जद्दोजहद रोज का काम बन चुका है। टैंकर पहुंचते ही लोग परेशान हो जाते हैं और पानी भरने के लिए डिब्बे लेकर दौड़ पड़ते हैं और अब तो हालत इतनी खराब हो गई कि दिल्ली के पॉश इलाकों में भी लोग टैंकर के पानी के भरोसे हो गए। एनडीएमसी ने दावा किया था कि दिल्ली के लटियन जोन के कई इलाकों में पानी की सप्लाई 40% घट गई और इसका असर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि एनडीएमसी के तहत आने वाले टोडरमल रोड के पास बने सरकारी घरों में टंकियों में टैंकर से पानी भरा गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से वहां पानी ही नहीं आया, इसलिए उन्हें भी टैंकर बुलाना पड़ा। कितने दिन से प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? Since last one week, but 3 दिन से बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है, पानी नहीं आ रहा। अच्छा। यानी दिल्ली का आम हो या खास, हर इलाके में पानी के लिए त्राहिमाम मच गया। एनडीएमसी ने खुद बताया था कि लटियन जोन के तहत आने वाले कई इलाकों में पानी की सप्लाई 40% तक घट गई। यानी देश की सत्ता का केंद्र कहे जाने वाला लटियन जोन भी पानी की परेशानी से अछूता नहीं रहा और करीब करीब पूरी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच गया और इस हाहाकार पर सियासी पारा भी चढ़ गया। बीजेपी सड़कों पर उतर आई तो
तो वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पानी के लिए अनशन की तैयारी कर डाली और दो दिन का अल्टीमेटम दे डाला।